हेलो गाइस, हमने यहाँ पे व्लॉग एंड किया था नया। हम ज्यादा अभी नहीं चला सकते क्योंकि रात के 3 बजने वाले हैं और अभी शीशा बहुत गंदा है फिर से गाइस, लेकिन दिल आज भी हमारा साफ है और हमारी नीचे कैब आ चुकी है और हम गाइस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। माय फर्स्ट जर्नी ट्रेन की, तुम कह सकते हो पहली बार मैं ट्रेन में जाऊँगा। तो चलते हैं, इन्जॉय करेंगे, साथ साथ सफ़र का इन्जॉय करेंगे। वहाँ जाके क्या होने वाला है सब कुछ बताएंगे। क्या बोले भैया हमारे अभी तक आए नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं, अभी उनका हम वेट कर रहे हैं। बाकी गाइस और भाई, मैं पहली बार ट्रेन से जा रहा हूँ और मुझे सामने वाली ट्रेन देख के ना घबराहट हो रही है क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और हमने जल्दबाजी में टिकट कराई है। मतलब पता भी नहीं था कि टिकट कैसी है, ट्रेन कैसी है कैसी नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कराई है तो कॉम्पिटिशन ले रही है मुझसे ना ये। मैं इसको समझाऊंगा बाद में, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ये क्या है, ट्रेन आई खत्म हो गई यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, वी आर अबाउट टू रीच नाउ। भाई साहब बहुत औखा सफर ट्रेन का, मजाक नहीं कर रहा, मतलब हमने ट्रेन बड़ी औखी ले ली है। सफर तो सौखा ही होना था, भाई ट्रेन बड़ी औखी थी, मतलब क्या बताऊँ, ऊपर चढ़ चढ़ के सोने वाली, लेकिन जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया है, हो गया एडजस्ट के, लेकिन नींद भी बड़ी आई है, सोते सोते पहुँच के पता भी नहीं चला एंड अभी कहीं पर रुके हुए हैं पता नहीं क्यों। चल पड़ी बाहर आ गई, और चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पूरी DDLJ वाली फील लूंगा, अभी भी भाग के आए पीछे से फोन ही लेके जाएगा साला। भाई साहब इतने सारे स्ट्रगल के बाद हमें फाइनली होटल मिल गया, बहुत सही और बहुत बढ़िया रेट पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे होटल्स बुला रहे थे। ये हमारी गलती थी कि हमने बुक नहीं कराया था और यहाँ से ले गए मेरे रूम जैसी, तो मैंने कहा जरा सेम काम हो गया, यहीं रहेंगे अब। सो अभी हम हैं सेक्टर 17, वहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं, बाकी देखते हैं। हमने 2 नाइट्स कर लिए, अभी कुछ नहीं पता हमारे दिमाग का क्या हम कर लें क्या नहीं कर लें। अभी रूम में जाते हैं, चेंज वगैरह करते हैं, रेस्ट करते हैं, रेडी होकर मैं फिर तुमसे मिलूंगा जब हम बाहर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक बाइक रेंट कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि यार अपनी कन्वीनियंस होती है वो सस्ती पड़ती है, 1000 रुपये की भी अगर बाइक मिलेगी तो 300-300 रुपये कैब के आने जाने बच जाएंगे। बाकी हम नेविगेशन कर लेंगे गाइस, फ्री में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, रेडी हो। सो गाइज आई एम रेडी। एंड यार एक इतनी दिक्कत होती ना बाहर आके, घर पे इतना टिप टॉप बन के घूमो, बाहर आके भाई साहब ना टर्बन अच्छी आती है, सोचो कपड़े ऐसे डालूंगा ठीक है वो भी नहीं डलते सही तरह, और मतलब बिल्कुल बहुत फाक हो जाती है गाइज। एंड आई एम गोइंग राइट नाउ टू मीट वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड उसके बाद हमने जो शूट वाला काम था वो मैं थोड़ी सी स्नैपिट्स डाल दूंगा इसमें, एंड बाकी दिलमीत जो है वो भी रेडी होगा, तो मैं उसको जब कॉल करूंगा फिर वो हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हम सो गए थे गाइस थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे, तो नींद जरूरी है बाबा। अभी हम जा रहे हैं इलांटे मॉल चंडीगढ़, ठीक है, तो इलांटे में मिलते हैं आपको सीधा, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मतलब मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, एक तो मैं बंदों से बड़ा फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ गाइस, न्यू कनेक्शन बन रहे हैं क्या करें, ठीक है, लव यू ऑल है। फिर उसके बाद पार्टी भी करनी है आज रात को और भूख भी लग रही है गाइस, ठीक है, पीस आउट, लव यू। सो गाइज अभी एडिडास आए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने, मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवा देता हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या लूँ, उसने तो पसंद कर लिया है, उसने शॉर्ट्स लेनी है मेरे को, 2-3 चीज़ें तो बहुत कूल लग रही हैं, हर जगह सेल चल रही है इस वक्त ना, सो लाइक दिस हुडी सेट इज सो कूल, ये वाला, बट आउट ऑफ बजट हो जाएगा सामान सारा। सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड इट्स गुड आफ्टरनून बाय द वे हियर, एंड व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि भाई रात को हम पार्टी करते रहे और बहुत ज़्यादा लेट हो गया, और मम्मी के ना बहुत सारे कॉल्स आए मुझे यार कि ऐसा ऐसा है ये वो, तो मैं वो रिकॉर्ड करके रखा था, वो देखो पीछे तैयार हो रहा है। कि मम्मी ने 8 से 9 वीडियो कॉल करी है, मैं डर गया भाई वीडियो कॉल क्यों कर रही है मम्मी, समझ नहीं आ रहा मुझे, बट लेट्स सी कि क्या काम है, मम्मी को वीडियो कॉल इस पर ही करते हैं तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि भाई किस लिए मम्मा फ़ोन कर रही है किस लिए नहीं कर रही। बाकी यार मैं सच्ची बता रहा हूँ, बाहर आता हूँ ना मेरे को खाना बड़ा बेकार मिलता है हर जगह, तो बड़ी देर से ना 2 दिन से मुझे खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई साहब खाना बढ़िया नहीं मिल रहा। सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सिंधी स्वीट्स करके कोई शॉप पे, बहुत अच्छी बनी हुई है, वहाँ पे जाके खाने की अच्छे से खाऊंगा भाई साहब पेट भर के, क्योंकि इतने टाइम से कुछ खाया ही नहीं है। बाकी
आप भी बने रहिए, जुड़िए रहिए, आपको भी लेके चलते हैं। और आज मैंने जाना है अरोमा जाएंगे, 3B2 मार्केट जाएंगे, और आज हमारा लास्ट डे है, और हम जाएंगे सुखना लेक और दो तीन जगह और जाएंगे, तो वो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा। और थोड़ी सी एक मीटिंग भी है किसी सिंगर के साथ, तो आप उनसे भी मिल लेना, आप उनको जानते होंगे पहले से। बाकी ऑल द बेस्ट। सॉरी क्या बोली जा रहा हूँ यार, मैं नींद आ रही है मुझे ना, बहुत तगड़ी, मैं नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन मेरे को उठ के ब्लॉग अपलोड करना था और मम्मी को एक बार फ़ोन कर लूँ। भाई साहब मम्मी क्या बोल रही है, एक बार जरा बात करके देखते हैं। तो कहाँ लगा रहे हो फोन, हाथ में पकड़ लो। बोलो इतने वीडियो कॉल क्यों करे हैं? नहीं तू मेरे को ये बता कि तू बाहर जाके भी वहां बैठा नहीं थी होटल में अपने? हाँ होटल में ही था। मैं कह रही हूँ रात को देखे हैं तूने मिस कॉल कितने आए हुए थे। हाँ तो हम यहाँ तेरे चंडीगढ़ में ही हैं। हैं? हाँ तेरे होटल के नीचे खड़ी हूँ। चंडीगढ़ आ गए हो? तेरे साथ वाला ही होटल लिया हुआ है। हमारे साथ में कौन सा होटल है दिल में? वहां बैठी हो? मैं गुरशीन और पापा आए हैं, पापा कह रहे थे चल मत्था भी टेक आते हैं, उसको भी ले आएंगे साथ में। अच्छा तो काम मिलो मिलो ना फिर। नीचे तू पार्टियां कर ले पहले, रात को कितने फोन करे हैं, एक फोन नहीं उठाया। तो चंडीगढ़ आए कैसे हो? आए कैसे हो? गाड़ी से आ गए। हाँ पापा चाचू आए हैं, हम आए हैं। कब निकले थे? कब निकले? हम रात को तेरे वहां पे पहुंचे हैं 1 बजे। 1 बजे पहुंच गए थे मतलब 8 बजे तक निकले हो गए 9 बजे तक। हमें लगे हैं 4 hours में हम आ गए थे वहां पे। बड़ी तगड़ी गाड़ी चलाई है। चलो आ रहा हूँ नीचे, आ जाओ नीचे। आ रही हूँ मैं भी, बाहर आ रही हूँ। आओ फिर आओ। ओका गाइस बाहर आ गया, एक बार मम्मा को जरा फोन कर देता हूँ होटल, अगर मम्मी कह रही साथ में ही है तो। भाई अब नेट चला गया यार, तो दिक्कत ही बड़ी चल रही है, स्ट्रगल चलती है गाइस। बाहर आते हैं तो बिल्कुल स्ट्रगल हो रही होती है, कभी भाई साहब ट्रेन नहीं मिलती, कभी ट्रेन मिलती है तो भाई साहब ऊट पटांग ट्रेन मिलती है। चौथे महल्ले पे जाके हम सोए हैं, लेकिन बढ़िया एक्सपीरियंस रहा वो भी। मम्मी को एक बार फ़ोन कर लेता हूँ। मम्मा आ गए हैं हम, आप कहाँ पे हो? आ गए मम्मी, आओ नीचे आओ। तो यार इतनी देर तो होगी आपको फोन करे हुए। कहाँ पे जाऊं? पेड़ हाँ सामने ही है। हाँ सामने ही है, ये रहा वहीं खड़ा हूँ। हाँ तो उसके नीचे बैठे हुए होगे, पेड़ के नीचे हद होगी है भाई आपकी वाली। अरे यार पेड़ के वहीं खड़ी हूँ। मेरे को वीडियो में दिखाओ कौन सा पेड़। ये देखिए देख लो गाइस, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा यार। भाई बिल्कुल पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। नहीं दिखा यार। मम्मा गर्मी हो रही है, प्लीज यार गर्मी हो रही है, हरकतें कर रहे हो। आना आ जाओ, नहीं तो मेरे होटल आ जाना। यार उधर चलते हैं आगे, अगली बिल्डिंग में। बिल्लू भी कह रहा अगली बिल्डिंग में। यार सीधी तरह मिल जाओ, हर चीज यूट्यूब नहीं होती, हर बार यूट्यूब में भाई साहब करने के लिए इधर उधर भगाएंगे, फिर बोलेंगे यहाँ खड़ी थी वहाँ खड़ी थी। जल्दी आ जाओ मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखना कहाँ सामने खड़ी हूँ तेरे, मेरे को तू नजर आ रहा है। नहीं सामने खड़े हो, सामने का खड़ी है, देखिए दिल्लू गार्ड खड़ा है सामने, गार्ड भैया खड़े हुए हैं हमारे सामने। आप कह रहे हो मैं दिख रहा हूँ तो आ जाओ ना। ये देखना ये कौन सा होटल है पीछे, कौन से होटल में कपड़े सूख रहे हैं ये? कबाड़ी
मारे यहाँ पे कबाड़ी की आवाज नहीं आई, मम्मी आपने वहाँ पे जो कबाड़ी की आवाज लगाई है। हेलो, ओए हाथ उठाओ एक बार कैमरे से, हाथ डालो, हाथ डालो, ये हमारे यहाँ पे कबाड़ी की आवाज नहीं आई। आप होटल में कबाड़ी क्या कर रहा है? चुप कर दो यार, बता दो हो या नहीं हो, और आगे यार। मम्मा मैं ना चल रहा हूँ, वीडियो कॉल पे भी दिखेगा वो, क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ भाई। इतना फुद्दू बना रही है ना मम्मी यहाँ पे, आप हो या नहीं हो? गाइज यार मैं तुम्हारा भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फोन काट दिया, मम्मी का अपने आप फोन आएगा, अगर मम्मी में मिलना आएगा, नहीं मिलना तो भाई कोई चक्कर वाली बात नहीं है, हम ही ढूंढेंगे मम्मी को, अपने आप फोन आएगा। बोलिए अपने आप नहीं यार, पागल बना रही है, मेरे को लग रहा है प्रैंक कर रही है मम्मी, और कुछ नहीं है, और कुछ इतनी गर्मी में बाहर निकाल दिया है। आज गर्मी ज़्यादा है ना, कोई बात नहीं यार, चलते हैं थोड़ा सा खा पी के, फिर मम्मी से पूछते हैं आए हो या नहीं आए, फिर पता चलेगा प्रैंक है या फिर सही में बैठी है। लव यू। इतनी ज़्यादा खुन्नस चढ़ रही है ना, मम्मी ने प्रैंक किया मेरे साथ, कोई नहीं आई है वो चंडीगढ़, नहीं तो अभी तक फ़ोन आया था ना, फ़ोन आया ना कुछ। अब मैं अभी अगले ब्लॉग में बाकी कंटिन्यू करता हूँ कि अगर सही में आई है या नहीं आई, कुछ नहीं पता चल रहा है यार, कुछ नहीं पता चल रहा। ये भी मिला हुआ था, ये भी कह रहा है अगली बिल्डिंग में देख लो, अगली बिल्डिंग में देख लो, बाकी ये भी कह रहा है आई है, सही में आई है, मेरी रात को बात हुई है जब आप सो रहे थे। बाकी यार अब मैं कुछ खा रहा हूँ, नेक्स्ट व्लॉग शुरू करता हूँ, और अगर प्रैंक किया है और नहीं भी किया तब भी आप कमेंट करके बताओ कि मैं बदला कैसे ले सकता हूँ। लव यू ऑल। चलो इसी के साथ भाई साहब, इसी के साथ इट्स मी अगेन साइनिंग ऑफ, बदला लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा।